ममता बनर्जी से अमिताभ बच्चन कहने को हुए मजबूर, अगली बार इस फिल्म फेस्टिवल में मत बुलाना। 76 वर्षीय अमिताभ बच्चन फिल्मों के अलावा इवेंट्स और शोज में भी उतने ही एक्टिव दिखते हैं। अमिताभ किसी से भी मिलते वक्त बेहद गर्मजोशी दिखाते हैं, लेकिन रविवार को कुछ ऐसा हुआ कि उनके रिएक्शन पर सभी हैरान रह गए। पश्चिम बंगाल के दामाद कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जब भी कोलकाता पहुंचते हैं, उनका उतना ही दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 24वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल KIFF का उद्घाटन किया। इस समारोह में हिस्सा लेने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वहीदा रहमान, नंदिता दास, आनंद एल राय के अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से माधवी मुखर्जी, सावित्री चटर्जी, रंजीत मल्लिक, फिलीप नोइस समेत कई बड़ी हस्तियां पहुंची। अमिताभ बच्चन जब स्टेज पर बोलने के लिए आए तो वहां मौजूद दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। अमिताभ बच्चन ने बंगाली में बोलते हुए कहा, मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कई बार रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे यहाँ ना बुलाया करें। मेरे पास बोलने के लिए नया कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर हूँ। अमिताभ बच्चन ने आगे कहा कि मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट अब तक अंग्रेजी में की है, अब मैं बंगाली में कह रहा हूँ। ममता दी, मुझे उम्मीद है इस बार आप मेरी बात को समझेंगी, मैं अब और नहीं कर सकता। अमिताभ बच्चन की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। ऐसा लगता है ममता बनर्जी अमिताभ बच्चन को ऐसे नहीं छोड़ने वाली। तभी तो जब अमिताभ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो ममता बनर्जी इशारे में कहती हैं कि उन्हें उनकी बात समझ नहीं आ रही। बाद में ममता बनर्जी स्टेज पर जब बोलने के आती हैं तो अमिताभ बच्चन को जवाब देते हुए कहती हैं कि बच्चन जी, अगले साल 25वें कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में भी आप आएंगे। बता दें कि 8 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में 170 फिल्में दिखाई जाएंगी। बंगाली सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर KIFF में विशेष आकर्षण होगा।